हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। हाँ और इसका क्या है क्वेश्चन नंबर 10? टेंथ का, हाँ टेंथ का ऑन टू। 10th का ऑन। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू आर माइनस थ्री। -3 हाँ। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन बेटा। लेट ए इक्वल टू आर माइनस थ्री एंड बी इक्वल टू आर माइनस, कंसीडर द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। तो एफ इज फ्रॉम ए टू बी, तो ए इसकी क्या हो गई, ए डोमेन फंक्शन की डोमेन, और बी क्या है, कोडोमेन तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन है ए टू बी, तो हमें ये शो करना है कि इज एफ वन वन एंड ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा ये बताओ तुमने वन वन कैसे किया? वन वन मैंने वो वाला मेथड होता ना, क्या कहते हैं, F1 इक्वल्स टू F2 वाले से, उससे क्या है, तो F1, मैं F1 या F क्या F1 किसी का? इक्वल FX1 इक्वल्स टू FX2। हाँ, F X1 इक्वल टू F X2। अगर हाँ तुम्हें X1 X2 से दिक्कत आती है लिखने में, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लेट F ऑफ A इक्वल टू F ऑफ B, ठीक है ना। तो इसमें हम A इक्वल टू B कर देंगे, कल बताया था मैंने, अगर X2 लिखने में दिक्कत आती है तो एफ ए इक्वल टू एफ बी से भी कर सकते हैं। बात एक ही है, ए भी हाँ कोई भी एलिमेंट है जो कि कैपिटल ए को बिलोंग करते हैं, जनरल एलिमेंट है। मैंने इस फंक्शन को दोनों साइड ले लिया, हाँ X1 से और X2 हाँ से। तो क्या आ गया? उसके बाद फिर मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाँ फिर X1 -2 इंटू फिर X2 -3 ऐसे इस तरफ आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गया। फिर मैंने तो उनको ये मल्टीप्लाई करके फिर मैंने उनको थोड़ा सिंप्लीफाई सा, करके ए इक्वल टू बी आ गया, हाँ ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ए इक्वल टू बी आ गया, ठीक है। तो देयर फोर एफ इज 1, तो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया। अब अगर हमें ऑन टू करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम मतलब अब इस ऐसे वाले क्वेश्चन में ये तो नहीं सोच पा रहे कि कौन कोई दो मतलब कौन से एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है ना, वो तो नहीं सोच पाएंगे। तो हम जैसे मैंने बताया था कि ये हमारा फंक्शन है ए टू बी, तो ऑन टू के लिए हर एक एलिमेंट जो है कोडोमेन का उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी फंक्शन ऑन टू होगा। तो हम यहाँ पर बी में कोई एलिमेंट ले लेते हैं वाई, ठीक है। तो हमने ले लिया लेट वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। और बी हमारा सेट क्या दे रखा है, बी कौन सा सेट दे रखा है, बी आर हमारे माइनस सेट आर वन। माइनस तो वन है। ये आर माइनस वन का मतलब क्या है, कल आर बताया माइनस था वन का मतलब है ना। कि उसमें -1 से लेके, नहीं मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगा, मतलब माइन नहीं, कल मैंने क्या समझाया था, आर माइनस जब करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, 1 नहीं होगा उसमें बस। हाँ वन नहीं होगा, है ना। हाँ तो हाँ क्या है वाई बी के अंदर, बी के अंदर R-1 मतलब रियल नंबर में 1 नहीं होगा, पूरा रियल नंबर होगा। हाँ, तो हाँ ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग वन। तो हाँ सिर्फ वन नहीं इसका होगा। मतलब हमें ये पता है कि वाई जो है, एक तो ये पता है कि वाई रियल नंबर है एंड वाई इज नॉट इक्वल टू वन, ये दो बातें हमें पता है, ठीक है। वाई एक रियल नंबर है एंड वाई इज नॉट इक्वल टू वन, वन यहां तक समझ आ गई बात। अच्छा, हाँ अब हम यहां पर लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब मुझे ये शो करना है कि जो एक्स की वैल्यू आएगी वो ये यहाँ पे सेट ए में आए, यहाँ बिलोंग करे,
अगर x सेट a में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब मेरा फंक्शन ऑन टू है. और जो इसकी हम प्री इमेज निकाल रहे हैं वो अगर x a में बिलोंग नहीं करता है तो फंक्शन जो है वो नॉट ऑन टू है. ठीक है, तो हम यहाँ पर fx इक्वल टू y करते हैं. fx हमारे पास क्या है यहाँ पर, x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री, तो ये आ गया x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री इक्वल टू y. तो अब ये इक्वेशन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y. तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सिंप्लीफाई करो. ये हो जाएगा फिर x माइनस थ्री को उधर ले जाओ, yx माइनस थ्री वाई. तो अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, x यहां पर है और x यहां पर है, तो क्या करेंगे, जैसे मैथ्स में सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करो. तुम y को मत सोचो, सिर्फ x सोचो, तुम्हें x निकालना है. तो क्या करते हैं हम, x वैल्यू टर्म्स को एक साइड ले आते हैं, एक साइड ले आते हैं. तो क्या लिखू, फिर ये हो जाएगा हाँ हाँ माइनस, बोलो हाँ घबराओ नहीं, बोलो माइनस y y माइनस थ्री वाई. नहीं y तो साथ आएगा ना, y x तो y और x मल्टीप्लाइड है ना. अच्छा, तो थ्री माइनस थ्री वाई प्लस टू इक्वल्स टू एक्स एक्स माइनस वाई एक्स. ठीक है, तो वाई एक्स को इधर ले आए, टू को, तो वाई एक्स तो वन टर्न है ना, अलग अलग थोड़ी है. ठीक है, अब ये यहाँ पर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूँ, लेफ्ट साइड में तुम समझ लो वाई कोई नंबर है, फाइव है सेवन है ऐसे समझ लो कुछ है. तो एक्स की वैल्यू निकालनी है क्या करें, y को से मल्टीप्लाई करो. नहीं भाई, तो वाई एक्स तो है, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है. ये इक्वेशन है, जैसे तुम्हारे पास इक्वेशन हो तो उसमें कैसे वैल्यू निकालते हैं, जैसे मेरे पास हो x माइनस ए एक्स इक्वल टू फाइव, मुझे x निकालना है तो कैसे निकालती. हाँ, x ब्रैकेट वन माइनस वाई. ठीक है, x कॉमन ले लिया. तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू टू माइनस थ्री वाई डिवाइडेड बाय वन बाय y. ठीक है, अब ये एलिमेंट आया हमारे पास, ये प्री इमेज आई, x की वैल्यू ये आई, टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई. तो ये जो प्री इमेज आई मेरे पास वो इस सेट को बिलोंग करनी चाहिए a में, तभी फंक्शन ऑन टू होगा. ठीक है, a क्या है, r माइनस थ्री, ये सेट जो है वो क्या है, r माइनस थ्री. तो ये जो है r माइनस थ्री को बिलोंग करनी चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए एक तो. ठीक है, ये एक रियल नंबर होना चाहिए. और दूसरी बात, r माइनस थ्री मतलब ये किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, थ्री के, थ्री के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी r माइनस थ्री में बिलोंग करेगा. ठीक है, अब इसको रियल नंबर होने के लिए ये मतलब किस कंडीशन में रियल नंबर नहीं बनेगा, क्या कोई कंडीशन है जिसमें टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई रियल नंबर ना बने, कोई भी रैशनल नंबर हमारे पास पी वाई वन 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 वन. हाँ, जब वाई वन हो तो क्या होगा, फिर नीचे जीरो आ जाएगा, फिर नीचे जीरो हो जाएगा. ठीक है ना, तो अब क्या वाई वन है, नहीं अभी नहीं है, तो हम हमें गिवन था, हमने जब यहाँ पर लिखा था वाई नॉट इक्वल टू वन लेके चले हैं ना हम बी को, क्योंकि बिलोंग करता है ना? हाँ, 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 हाँ. तो वाई इज नॉट इक्वल टू वन, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, इसलिए एक्स क्या हो गया, रियल नंबर हो गया. ये तो हमें पता चल गया कि रियल नंबर तो है क्योंकि वाई हमारा वन नहीं है. अगर हमारे इसमें बी में b हमें y माइनस वन r माइनस वन ना देके b अगर हमें r दे रखा होता तो ये फंक्शन फिर हमारा ऑन टू नहीं बनता है ना.
क्योंकि फिर हम वन वाली कंडीशन कहाँ से लाते, हाँ. तो हमें दे ही ऐसा रखा है, तो इसलिए ये एक रियल नंबर तो हो गया. अब रियल नंबर तो ये है, अब आर माइनस थ्री में बिलोंग करता है या नहीं, उसके लिए हम ये देखेंगे कि ये थ्री के इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट इफ पॉसिबल टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई इक्वल टू थ्री. हम देख रहे हैं कि इसको थ्री के इक्वल करने से होता क्या है. अब इसको सिंप्लीफाई करें तो टू माइनस थ्री वाई इक्वल टू क्या आएगा, थ्री माइनस थ्री वाई. थ्री माइनस थ्री वाई. अब ये माइनस थ्री वाई और इधर माइनस थ्री वाई जो है ये क्या होगा आपस में, ये हो जाएगा माइनस थ्री वाई. माइनस थ्री वाई कैंसिल हो जाएगा. टू इक्वल क्या आ गया, टू टू इक्वल टू थ्री. तो टू इक्वल टू थ्री होता है कभी मैथ्स में, नहीं. तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन. क्या कहते हैं इसको, कॉन्ट्राडिक्शन. ये जो साइन मैंने बनाया है इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन. तो कॉन्ट्राडिक्शन क्योंकि हमारे पास आ गई है, इसका मतलब कि टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई जो है ये थ्री हो ही नहीं सकता. ये जो हमने इसको इक्वल टू थ्री किया था ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि ये इक्वल टू थ्री लेने से तो टू इक्वल टू थ्री हो रहा है, तो मैथ्स में तो टू इक्वल टू थ्री नहीं होता है. तो इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू थ्री. ठीक है, इसका मतलब तीन भी नहीं है और रियल नंबर भी है, ये हम पहले कह चुके हैं. तो ये सारी बात से हमें वन और टू से हमें क्या समझ में आता है, फ्रॉम वन एंड टू ये ऑन टू है. फ्रॉम वन एंड टू एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस थ्री. आर माइनस थ्री और ये क्या है हमारा सेट. तो देयरफॉर हमने प्री इमेज शो कर दी कि वो ए को बिलोंग करती है, देयरफॉर एफ इज ऑन टू. हाँ समझ आ गई बात. हाँ हाँ तो ये फंक्शन जो है ऑन टू हो गया, राइट. क्वेश्चन क्लियर है. हाँ हाँ तो ये एक क्वेश्चन करने से तुम्हें बहुत सारी बातें समझ आई होंगी. ठीक है, जब भी मैथ्स में तुम लिखते हो, एक ये सेट है एक ये सेट है, जब भी तुम लिखते हो, मान लो ये सेट P है ये Q है, जब भी P माइनस Q लिखते हो इसका मतलब P में से जो Q वाले एलिमेंट्स है वो निकालते, तो वो ये होता है हमेशा. ये तुमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ P माइनस Q सेट. माइनस का मतलब क्या होता है कि उसमें से हमने Q वाले एलिमेंट्स निकाल, हाँ. तो हमारे पास ये ओनली P रह जाता. ठीक है, तो ओनली P है. तो जैसे हमने R माइनस थ्री किया, इसका मतलब R में से थ्री निकाल दिया, तो ये इसको बिलोंग करेगा. ठीक है, और इसमें कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, अभी भी कोई बात ना समझ में आई हो इसमें. नहीं समझ आ गया क्वेश्चन. आप कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो अब. और कौन सा नहीं है देखो, एक काम आप मेरे को ना नाइन्थ एक बार थोड़ा सा समझा दो. मतलब हो गया है लेकिन फिर भी मेरे को ना मतलब क्वेश्चंस का ना वो नहीं आता, फॉर्मेट करने का फॉर्मेट नहीं आता. मतलब कैसे लिखने का, लिखने का. देखो जब हमारा आंसर यस में जा रहा होता है, ठीक है, जब हमें ये समझ आता है कि फंक्शन वन वन और ऑन टू बनेगा, तो हमें यही फॉर्मेट अप्लाई करना है जो इस क्वेश्चन में मैंने किया. एफ ए इक्वल टू एफ बी लो, ए इक्वल टू बी शो कर दो. ठीक है, और ऑन टू के लिए यहाँ पर जहां से जहां कोडोमेन में एलिमेंट लो, उसको फिर कोडोमेन में एलिमेंट लेके और उसको एफ एक्स इक्वल टू वाई कर दो, और फिर उसके बाद एक्स की जैसे यह वैल्यू निकाली है मैंने, यहाँ पर वैल्यू निकालो और
ये वैल्यू जो है वो सेट जो डोमेन वाला सेट है उसको बिलोंग करनी चाहिए बस, तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाता है, अगर नहीं बिलोंग करता तो ऑन टू नहीं। ठीक है हाँ, इस एक्सेल में तो ज्यादा कुछ आ ही गया मेरे को, ज्यादा कुछ नहीं बचा, कर लिया मैंने सारे। और जिसमें ये हो कि फंक्शन नॉट वन वन है तो हमें दो एलिमेंट बताने पड़ेंगे जिनकी सेम इमेज है। ठीक है, कोई दो एलिमेंट बताने पड़ेंगे जिनकी सेम इमेज है तो वो नॉट वन वन हो गया, और नॉट ऑन टू है तो हमको कोई एक एलिमेंट दिखाना पड़ेगा कोडोमेन का जिसकी प्री इमेज ना हो, जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे। अगर उसकी डोमेन में प्री इमेज नहीं है तो वो नॉट ऑन टू हो गया, बस ये करना। नॉट में तो हमें एग्जाम्पल देना होता, यस में हमें पूरा प्रूफ देना होता। अब ये क्वेश्चन है एफ सच दैट एन टू एन इट इज डिफाइंड एज एफ एन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू इफ एन इज ऑड, एफ एन इज एन बाय टू इफ एन इज इवन। तो अब क्वेश्चन ये है स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव जस्टिफाई योर आंसर। तो स्टेट वेदर एफ इज बाइजेक्टिव, ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव है या नहीं है इसके लिए बताओ कि ये पहले वन वन सोचते हैं तो क्या कोई दो एलिमेंट पहले, ये फंक्शन का मतलब तुम्हें समझ में आया है? हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका ये कि जब फंक्शन में ऑड नंबर x की जगह x n की जगह n की जगह मान लो मुझे, अच्छा ऐसे बताओ मान लो मुझे f5 निकालना हो तो कैसे निकालते? f5 निकालना होगा तो हमें पहले, क्योंकि इसमें दे रखा है कि जो ऑड नंबर हो गया उसके लिए n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करना है। हाँ। तो 5 एक ऑड है तो उस n की जगह हम 5 पुट कर देंगे पहले वाले में, और फिर 5 प्लस 1 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। और अगर मुझे मान लो F10 निकालना हो तो F10, तो इसमें इसमें है कि जो भी इवन है उसके लिए n by 2 होता है, तो फिर 10 n 10 divided by 2 हो जाएगा फिर उसका फाइव। ठीक है, तो अब ये इसमें हमें ये बताना है कि फंक्शन जो है वन वन है कि नहीं, तो क्या तुम क्या दो नंबर ऐसे सोच सकते हो जिनकी सेम आंसर आए, जैसे F5 3 है तो क्या तुम कोई और नंबर सोच सकते हो जिसपे दोबारा आंसर 3 आ जाए? एट नहीं, एट नहीं, सिक्स सिक्स सिक्स। हाँ तो ऐसे हमें पता चल रहा है वन पे भी, वन और टू भी सोच सकते थे हम, तो फाइव और सिक्स सोच लिया कोई बात नहीं। तो कोई भी हम अगर हम ऐसे दो नंबर लोकेट कर पाते हैं जिसपे सेम आंसर आ रहा है तो हमारे पास क्या आ गया, एफ फाइव इक्वल टू एफ सिक्स। पर फाइव और सिक्स तो इक्वल नहीं है, है ना, तो देयरफॉर एफ इज नॉट वन वन। वन वन के लिए तो फाइव और सिक्स ऊपर इक्वल होने चाहिए ना। पर हमने देखो वन वन जब प्रूव किया तो जब मैंने एफ ए इक्वल टू एफ बी किया तो मैंने ए इक्वल टू बी शो किया ना यहाँ पर। तो अगर ए इक्वल टू बी होता तो फंक्शन वन वन हो जाता, लेकिन फाइव और सिक्स तो इक्वल नहीं है, पर फाइव और सिक्स की इमेज सेम आ रही है ना, तो देयरफॉर एफ इज नॉट वन। ठीक है, अगर हम इसका वेन डायग्राम एरो डायग्राम बोलते हैं इसको, एरो डायग्राम बनाएंगे तो फाइव और सिक्स पर जो वैल्यू है वो सेम आती है। तो जब भी दो एलिमेंट्स पर सेम वैल्यू आ जाती है तो फंक्शन जो है वो नॉट वन वन हो जाता है। ठीक है, अब इसकी कोडोमेन क्या है इस फंक्शन की? इसकी कोडोमेन है
एन मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा एलिमेंट कोडोमेन में तुम सोच सकते हो जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना कर रही हो? नहीं ऐसा तो नहीं सकता, आ ही रहा है नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर होना चाहिए। हाँ नहीं है, सबका हो रहा है। 1 2 का, 1 2 फिर 1 2 का, 1 1 3 4 का, 2 हो रहा है। नहीं है, सबका है मतलब। सबकी है। हाँ सबकी है, सबकी ये है। बताओ टू किस पर आएगा आंसर? टू 1 पे तो टू टू की प्री डिवाइडेड इमेज, बाई टू टू, की प्री इमेज क्या आ रही है? फोर। टू की नहीं, टू की प्री इमेज 4 हो रही है। अच्छा टू की प्री इमेज, हाँ प्री इमेज 4 आ रही है, 4 का 2। हाँ, 2 मिल में। F4 पर टू आ रहा है ना, टू की प्री इमेज हाँ, फोर आ रही F4 पे। है ना, और वन की प्री इमेज क्या आ रही है? वन 1 की प्री इमेज 1। की प्री इमेज वन, F1 जो है वो देख लेते हैं थोड़ा सा, वन भी ऑब्जर्व आ कर रही लेते है हैं, और 2 भी आ रही है। हाँ देख लेते हैं ना, पर अंदाजा लग जाएगा। नहीं है तो फिर प्रूफ करना पड़ेगा, अगर हाँ यस जाएगा आंसर तो प्रूफ देना पड़ेगा। वन की प्री इमेज वन कह रहे हो, तो हाँ F1 जो है 1 + 1/2, बिल्कुल ठीक है। टू की प्री इमेज जो है वो हमारे पास की क्या आ रही है? टू प्री इमेज आ रही है 3 और 4। की प्री इमेज 3 और 4। टू भी हमारा 1 पे ही जा रहा है, हाँ बिल्कुल हमें तो एक भी प्री इमेज हो तो चलेगा, है ना। तो ऐसे ही 3 की भी प्री इमेज आ जाएगी हमारे पास, 6 आ जाएगी, n/2 से जल्दी हो रहा है, तो हाँ 3 की 6 आ जाएगी, ऐसे ही 4 की, तो प्री इमेज तो सबकी आ रही है इसका मतलब, है ना। तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो ऑन टू होना चाहिए। तो अगर फंक्शन ऑन टू है तो फिर हमें उसको कब प्रूफ देना पड़ेगा? ऑन टू तो है बट प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए वही करना पड़ेगा हमें कि इसमें एक प्री इमेज लेनी पड़े, एक कोडोमेन में एलिमेंट लेना पड़ेगा, ऑनटूनेस। तो ये यहाँ पे हमने ले लिया लेट वाई बिलोंग्स टू एन। एन कहाँ पर लिया मैंने? कोडोमेन वाले में, क्योंकि डोमेन भी सेम है ना, तुम कंफ्यूज ना हो। तो अब अगर वाई जो है वो एन को बिलोंग करता है तो किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज जो है वो इस पर डिपेंड करती है कि वाई जो है वो इवन है या ऑड है ना। अगर इफ वाई इज इवन, अगर वाई इवन है तो उसकी प्री इमेज क्या होगी? जैसे यहाँ पे टू है, टू की प्री इमेज हमने क्या ऑब्जर्व करी? थ्री। टू 1 हाँ, की थ्री और प्री इमेज फोर क्या थ्री ऑब्जर्व और करी? थ्री। और फोर अगर मैं फोर देखूं तो फोर की प्री इमेज क्या ऑब्जर्व करते हैं? फोर की क्या प्री इमेज होगी? आंसर फोर किस पे आ रहा है? 7 7 और 8। 7 और 8, 8 पे। तो अगर वाई इवन है तो उसकी प्री इमेज देखो, 4 का 8 क्या होता है? 4 का 8 इज डबल 2 into 4 बताओ कैसे। हाँ 3 जो है, 3 पर इमेज जो है, 3 प्लस 1 4/2 आई, और यहाँ पर 6 पर 4, 4 पर भी इमेज जो है वो दो दो प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है ना एक्चुअली। हाँ तो अगर वाई इवन है तो उसकी प्री इमेज जो है वो हम क्या ले सकते हैं? डबल बन रहे हैं, जैसे 2 की प्री इमेज 4 बन रही है, 4 की 8 बन रही है। तो इफ वाई इज इवन, तो जैसे तुमने कहा 4 का डबल 8 होता है, 2 का डबल 4 होता है, 1 का डबल 2 होता है, तो उसकी प्री इमेज हमारे पास क्या बन रही है? एफ ऑफ उसका व्हाट इक्वल टू वाई? टू टू एक्स एफ ऑफ
2y f of 2y, क्योंकि y 2y तो इवन ही होगा, वैसे ही 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2y f of 2y 2y upon 2 हो गया, तो आंसर क्या आ गया y. तो y is even, तो उसकी प्री इमेज हमें मिल गई, उसकी प्री इमेज आ गई 2y. 2y ठीक है ना. और अगर हमारे पास odd है, if y is odd, और एक और भी प्री इमेज y की बन सकती है, वो बनेगी y plus 1. जैसे 2 की प्री इमेज 3 भी बन रही है ना, n plus 1 भी बन रही है, तो वो भी लिख सकते हैं y is even, तो f of 2y equal, एक लिखने से भी चलेगा. एंड इफ y इज odd, तो इसकी प्री इमेज क्या बताएं, f of what equal to y, अगर y odd है. प्री इमेज किस 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 नंबर पे y odd है, तो वही y plus 1 divided by 2 वाला. नहीं, y तो मुझे आंसर में चाहिए ना, y मुझे आंसर में चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखूं कि आंसर y आ जाए. थोड़ा ऑब्जर्व करो, सोचो कहाँ पे, यहाँ पे, ये फंक्शन में. हाँ, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे क्या लिखें कि आंसर वाई आ जाए. वाई हमारा ऑड है, हमें आंसर ऑड चाहिए. टू वाई डिवाइडेड बाय टू, टू वाई तो एफ ऑफ टू वाई जो होगा, एफ ऑफ टू वाई वो तो इवन ही आएगा. ये 2y पर वैल्यू जो है वो y आएगी, y इवन हो या ऑड हो, दोनों ही केस में 2y तो इवन हो जाएगा. ठीक है, तो फिर इसको अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है, इसको ऐसे ही कर लो, दो केस भी बनाने की जरूरत नहीं है. लेट y बिलोंग्स टू n, ठीक है, कोड में, क्योंकि सेम आंसर, क्योंकि हमें सारी प्री इमेजेस तो निकालनी नहीं है, तो हमें केस बनाने की जरूरत नहीं है. लेट y बिलोंग्स टू n, दिस इंप्लाइज 2y इज इवन. ठीक है, अगर y कोई नेचुरल नंबर है तो 2y तो इवन होगा ही होगा. तो दिस इंप्लाइज f ऑफ 2y इक्वल टू 2y अपॉन 2, क्योंकि इवन है तो इसी इक्वेशन से निकलेगा. तो f ऑफ सेकेंड वाली इक्वेशन यूज करेंगे ना, तो दिस इक्वल टू y. तो y की हमारे पास प्री इमेज 2y तो बनी रही है, तो देयरफॉर एंड 2y इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब देयरफॉर f इज ऑन. समझ में आ गया. अगर हमें दोनों प्री इमेजेस निकालनी होती क्वेश्चन में, तो हमें वो इवन ऑड करने की जरूरत थी, तो इसलिए इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते, ऐसे बेटर है. y अपने नेचुरल नंबर ले लिया, 2y हमेशा इवन होगा, और f ऑफ 2y हमेशा y के इक्वल आएगा. तो हर एक नेचुरल नंबर की प्री इमेज हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, तो इसलिए f ऑन 2 होगा. सेकेंड प्री इमेज पूछी जाए तो हमें इवन ऑड करने की जरूरत है, अदरवाइज जरूरत. ठीक है, जैसे 1 की इमेज 1 और 2 बन रही है, 2 की इमेज 3 और 4 बन रही है, 3 की इमेज जो है वो 5 और 6 बन रही है, ऐसे बन रही है, तो डबल वाली तो बनी रही है ना. तो वैसे अगर मैं देखूं तो y की दो प्री इमेजेस हैं जनरल, एक y की प्री इमेज बन रही है 2y, और एक दूसरी प्री इमेज जो बन रही है वो बन रही है 2y माइनस 1 इसकी प्री.
एक तो 2y बन रही है और एक देखो 4 और 3 बन रही है ना, हाँ 4 और उससे एक कम, 2y से एक कम, 3 की इमेज 6 और उससे एक कम 5, ऐसे बन रहा है ना। यहाँ ऑब्जर्व करो पैटर्न, तो y की जो प्री इमेज है इन जनरल दो प्री इमेजेस बन रही है, ठीक है, समझ आ गई बात। हाँ तो फंक्शन जो है वो हमारा क्या हो गया, ऑन। हमें दोनों दिखाने की जरूरत नहीं, एक से ही हमारा काम चलता है। ये तो मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए, अगर मान लो क्वेश्चन में आए कि राइट प्री इमेजेस ऑफ वाई, तो प्री इमेजेस ऑफ वाई क्या हुई, 2y और 2y माइनस 1, ये पैटर्न से हमें समझ आ गया, 1 2 3 4 5 है ना, समझ आ गई। अब ये क्वेश्चन था कि स्टेट वेदर एफ इज बाइजेक्टिव, तो अब क्या कहेंगे, एफ बाइजेक्टिव है या नहीं है। बाइजेक्टिव के लिए क्या चाहिए, बाइजेक्टिव के लिए दोनों होना चाहिए, सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव। हाँ, तो अब आंसर तो लिखना पड़ेगा, तो आंसर में क्या लिखे, आंसर में एफ इज बाइजेक्टिव या एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। नॉट बाइजेक्टिव, हाँ, तो एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, समझ आ गया। हाँ और बताओ, और नहीं बस यही थे, यही दो क्वेश्चन थे इसका, मेरे को बस यही नहीं समझ आ रहा था। मेरे को क्वेश्चंस के वही नहीं आ रहे, मतलब 1-to-1 तो मैं कर ले रहा हूँ, लेकिन मतलब वैसे वो भी कर ले रहा हूँ, लेकिन एक दो क्वेश्चन होता है ना कि अगर कुछ ना कुछ हो, सब होगा तो कुछ ना कुछ अगर निकलेगा तो सिर्फ ऑन टू से ही निकलेगा, बाकी को होगा। वो ऑन टू के लिए ना बेटा, वो जो 11th की पढ़ाई है ना वो बिल्कुल नहीं करी गई है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी चीजें वहां पे थी, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन भेज दूंगी 1-1 ऑन टू वाले, तो उससे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और टर्म भी है तुम्हारी बुक में, विच इज मैनी वन, मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन विच इज नॉट 1-1, हाँ मतलब जो क्या कहते हैं 1-1 का उल्टा होता है ना। हाँ, नॉट 1-1 इज कॉल्ड मैनी वन। जैसे 1-1 में तो हम कहते हैं ना कि दो एलिमेंट्स की प्री इमेजेस सेम नहीं होनी चाहिए, कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनकी सेम, जैसे ये है 2y और 2y माइनस 1, दोनों सेम पे जा रहे हैं, तो इसकी मैनी प्री इमेजेस है ना, मोर देन वन प्री इमेज है ना, क्योंकि मोर देन वन प्री इमेज है इसलिए ये फंक्शन जो है मैनी वन फंक्शन, जो ऊपर वाला फंक्शन। वन वन नहीं था ना ये, वन वन क्यों नहीं था, क्योंकि तीन की जो है दो प्री इमेजेस है, दो एलिमेंट सेम पे मैप कर, इसलिए इसको मैनी वन कहते हैं। देर आर टू प्री इमेजेस ऑफ 5 and 6, क्वेश्चन में आ सकता है प्री इमेज ऑफ 3, तो प्री इमेज ऑफ 3 क्या हुई, 5 and 6। एक वर्ड होता है इमेज, 5 की इमेज 3, 6 की इमेज 3, प्री इमेजेस ऑफ 3 पूछा जाए तो 5 and 6। प्री इमेज मतलब पीछे, पीछे वाला, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज तुम्हें समझ आनी चाहिए, उस दिन मैंने डिस्कस भी किया था, अगर तुम्हारे पास कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कांस्टेंट फंक्शन, उस दिन भी मैंने बताया था तुम्हें ये कांस्टेंट फंक्शन, तो ये 1-1 होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटे, कांस्टेंट फंक्शन, एग्जामिनर सोचता है ना कि बेसिक तो बच्चे को आना ही चाहिए। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, जिन मैंने कितना सारा पढ़ाया था तुम्हें, कांस्टेंट फंक्शन
क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन? याद नहीं। कांस्टेंट पे ऐसे याद नहीं करोगे ना तो फिर काम बनेगा नहीं बेटा। इस तरह से जो चीज पढ़ाती हूँ वो तुम्हें याद करनी है ना। जब मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शंस कराए थे वहां पर, तो ये सारे दो तीन फंक्शन उस दिन कराए थे मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो बाद में कराया। तो कांस्टेंट फंक्शन याद करना है ना, कांस्टेंट फंक्शन टर्म याद करनी है। कांस्टेंट फंक्शन तो सबसे आसान फंक्शन होता है, जो एनसीईआरटी में सबसे पहला पहला फंक्शन डिस्कस किया हुआ 11th। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है सारे एलिमेंट्स जो हैं उनकी सेम इमेज है, एक ही इमेज है, सारे एलिमेंट्स एक ही जगह पे जा रहे हैं, ये कांस्टेंट फंक्शन। हर एलिमेंट का आंसर सेम है, इस तरह का जो फंक्शन होता है उसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं 7/9, 1, 3/2 जितने भी हैं सब यही जा रहे हैं एक ही जगह, ऑल रियल नंबर। मैंने ग्राफ भी डिस्कस किया था तुम्हारे साथ। अब ये जो नंबर है ये कोई भी नंबर हो सकता है, सी 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, -2 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, ये कोई भी एक नंबर होगा ऐसे, कोई भी नंबर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। सी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, रहेगा वो कांस्टेंट ही। एफ एक्स इक्वल टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल एफ सच दैट आर टू आर। अब याद रहेगा, अगली बार तो नहीं भूलोगे? नहीं। तो ये कैसा फंक्शन हुआ? वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? वन वन है। वन वन नहीं, वन वन थोड़ी है ये तो, फिर सी के साइड तो फिर हाँ। बहुत क्या बोलेंगे इसको? मैनी वन। और ऑन टू है? ऑन टू, हाँ ऑन टू है, ऑन टू है। क्यों? क्योंकि रेंज और क्या कहते हैं कोडोमेन सेम है ना। कोडोमेन क्या दे रखी है? कोडोमेन सी है, नहीं कोडोमेन सी है, और जो जो कोडोमेन सी है आर है, कोडोमेन आर है और रेंज सी है। रेंज क्या है? रेंज सी है। तो रेंज का एलिमेंट होगा सी को, तो एक ही वैल्यू दोगे ना, जो भी वैल्यू दोगे। तो फिर ऑन टू हुआ? नहीं, ऑन टू भी नहीं हुआ। मैनी वन नॉट ऑन टू। तो ऐसे एग्जांपल भी पूछा जा सकता है तुमसे पेपर में। तो ये नीदर वन वन नॉर ऑन टू का सिंपल सा एग्जांपल है, नीदर वन वन नॉर ऑन। सारे एलिमेंट्स को एक पे ही मैप कर, ठीक है? तो ये बुक में जो क्वेश्चन नंबर 11th 12th ये समझ में आ गए तुम्हें? हैं? 11th का क्या आंसर है? 11th का आंसर है वो डी वाला, नीदर वन वन नॉर ऑन टू। क्यों वन वन क्यों नहीं है? एक मिनट, हाँ ये जो 11th क्वेश्चन है इसमें पहले तो मैंने अच्छा ऑन टू तो नहीं है इसलिए, क्योंकि इसने दे रखा है कोडोमेन रियल नंबर दे रखा है, है और जो रेंज है वो इसने दे रखा है। जब तुम कह रहे हो कि ये वन वन नहीं है तो मुझे एलिमेंट बताओ ना जिसकी वजह से ये वन वन नहीं है। अच्छा वन वन, वन 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 तो मैंने इस ऐसे निकाला, वो एक्स वन से एक्स वन एक्स टू से निकाला मैंने। तो वन वन है क्या? नहीं है ना वन वन। तो क्यों नहीं है? नहीं है तो फिर एग्जांपल देना पड़ेगा, फिर प्रूफ थोड़ी लेके बैठो। वन वन नहीं है तो एग्जांपल दो। एग्जांपल -1
और पॉजिटिव वन दोनों का क्या कहते हैं वन ही आएगा। F1 इज वन एंड F1 इज ऑल्सो वन. जैसे हाँ कोई भी नंबर ले सकते थे, 2 और -2 भी ले सकते हो, हाँ वही। क्योंकि पावर इवन है. पावर इवन है तो वो नॉट वन बन रहेगा, जैसे सिंगल होता है वैसे पावर 4 में है. तो अब नॉट ऑन 2, क्यों नॉट ऑन 2 है? किसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर? हाँ, एग्जाम्पल या फिर वो एग्जांपल ही बताओगे कौन से एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर? तो इसकी इमेजेस बनाओ और देखो, थोड़ी सी इमेजेस बनाओ और फिर मुझे बताओ कौन से एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती. एरो डायग्राम से ना, एरो फॉर्म जो भी है वो तो जाएगा। हाँ टू का नहीं करेगा। हेलो हाँ, 2 की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी. कोई रियल नंबर नहीं है जिसकी पावर 4 करे तो आंसर 2 आए, है? नहीं, किसी तुम्हें की तो नहीं होती चाहिए x4 इक्वल टू 2. तो ना। x इक्वल टू क्या होता है? 2 रेस टू दी पावर. तो क्या मतलब यस. x की पावर 4 है इक्वल्स टू 2 हो गया। x इक्वल टू किसके आएगा? 2 की पावर क्या? 2 फोर की पावर 4. नहीं, तुम्हें तो आंसर 2 चाहिए. 2 की पावर 4 तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर. उसकी पावर तुम्हें तो आंसर 2 चाहिए ना. तो अगर x मैथमेटिक्स में अगर हमारे पास xn इक्वल टू सम a हो मान लो, तो x किसके इक्वल होता है? a की पावर व्हाट? a रेस टू द पावर. नहीं वन पता. नहीं पता। क्यों नहीं पता? a की पावर 1/n हो जाता है. अच्छा फिर 1/4, 1/4। x इक्वल टू 2 की पावर 1/4. अगर इसको ऊपर पुट करोगे इस वाली इक्वेशन में वापस, तो आंसर 2 आएगा. नहीं, अगर 2 की पावर 1/4 को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आएगा आंसर? 2 रेस टू द पावर 4 4 आएगा. आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 आएगा। आ गया ना. तो फिर 2^4 रियल नंबर तो है, तो किसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती? वन वन की प्री इमेज. करेगी, वन की भी करेगी, वन की भी करेगी। सोचो. रूट में से कोई होगा शायद। रूट में से कोई मुझे एलिमेंट बताओ.
नहीं आ रहा है, दिमाग नहीं आ रहा, एग्जाम्पल नहीं आ रहा, प्रूफ करना तो आ गया। टू एक्स स्क्वायर होता, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो किसकी प्री मेजर एग्जिस्ट नहीं करती? एक्स फोर की जगह अगर एक्स स्क्वायर होता, एफ सच दैट आर टू आर, तो किसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती? x2 नहीं, खाली एक्स स्क्वायर। खाली x2 अगर हमारे पास पावर फोर देखें तो वन किसके ऊपर मैप करेगा? ऊपर वन के ऊपर। टू किस पर मैप करेगा? हाँ 16। हाँ थ्री किस पर मैप करेगा? ऐसे चलता जाएगा। नाइनटीन तो जब हम पावर फोर करेंगे तो कौन से नंबर यहां पर हैं जिनकी प्री इमेज नहीं दिखाई दे रही तुम्हें? हाँ 3 4 थ्री फोर की तो आ जाएगी ना, थ्री की पावर वन बाय फोर। थ्री की पावर वन बाय फोर को जब पावर फोर करोगे तो थ्री आ जाएगा, तो थ्री की प्री इमेज तो आ जाएगी। अभी जैसे बताया मैंने पहले, थ्री की पावर वन बाय फोर। ऐसे ही टू की प्री इमेज जो है, टू की पावर वन बाय फोर आ जाएगी। तो कौन सा नंबर नेगेटिव है? हाँ? वालों की फिर तो इतनी देर क्यों लगी तुम्हें? पूरा तुम्हारी बुक में क्वेश्चन नंबर टू जो है इसी चीज को लेकर के। अब यहां पर अगर मैं माइनस टू लिखूं, माइनस वन लिखूं, किसी की भी प्री इमेज नहीं है। हम पावर फोर करते रहे, कोई भी नेगेटिव नंबर थोड़ी बनेगा पावर फोर से। तो तुमने इसका मतलब क्वेश्चन नंबर सेकेंड ढंग से नहीं किया अभी भी। मेरे को एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में से प्रूफ कर रखा है ना, एग्जाम्पल। हाँ, तो एग्जाम्पल से ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो तुमने करके भेजा है मुझे होमवर्क में? हाँ, करा भी है क्वेश्चन नंबर मैंने। सेकंड जो है, बस लेट भेजते हो ना। अगर कल रात को भी भेज देते तो मैं सुबह देख लेती हूँ। तुम सुबह भेजते हो जस्ट क्लास से पहले, तो कैसे चेक हो? तो पावर फोर करेंगे तो आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है? तो प्री इमेज एफ इज नॉट ऑन टू बिकॉज प्री इमेज ऑफ कोई भी एक नेगेटिव नंबर लिख दो। माइनस वन बिलोंग्स टू आर, डजेंट एग्जिस्ट। ठीक है, इसकी रेंज क्या बनेगी? रेंज भी पूछ सकते हैं पेपर में, इसीलिए मैंने 11th की वो एक्सरसाइज करने को तुम्हें कहा था। रेंज रेंज क्या बनेगी इसकी? रेंज में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? जो इमेजेस हैं ये कौन से एलिमेंट्स बन रहे हैं? वो एन मतलब वो नेक्स्ट एन बन रहा है। रेंज बन रही है इनकी। हाँ रियल बन रही है ना। सारे रियल नंबर आएंगे रेंज में? हाँ, सारे नहीं आएंगे, सारे सारे हाँ सारे आएंगे, सारे आएंगे। नेगेटिव नंबर जब नहीं आ रहे हैं तो फिर सारे रियल नंबर कैसे अरे आएंगे? हाँ, पॉजिटिव में जितने भी है वो क्या कहते हैं, 0 से लेके इन्फिनिट तक जितने भी हैं वो तो सारे। रेंज जो बनेगी वो जीरो से इंफिनिटी बनेगी, ठीक है? अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज प्री इमेज ऑफ रूट टू, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज प्री इमेज ऑफ रूट टू? पहले सिंपल ले लेते हैं, रूट टू कॉमा व्हाट इज प्री इमेज ऑफ 32। तो
42 नहीं, पी में जो है 64 की प्री इमेज क्या बनेगी, किसकी पावर 464 होती है, 4 की प्री इमेज ऑफ 64 इज 4, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर 4 लेती हूँ तो वो कहाँ जाएगा, 64 पे, 4 की पावर 4, 64 तो नहीं होता 4 की पावर 4 नहीं होगा फिर, एक प्री इमेज ऑफ 4 की पावर 4 तो 64 नहीं होता, 4 क्यूब होता है 64 होता है। चलो मैं सिंपल ले लेती हूँ, प्री इमेज ऑफ 256 ले, ठीक। तो प्री इमेज ऑफ 250, प्री इमेज ऑफ 256 इज 4, ठीक है। तो 4 की जो इमेज आएगी वो आ रही है यहाँ पर 250, तो 4 की इमेज जो है 256 है, तो प्री इमेज ऑफ 256 इज। तो मैंने तुमसे पूछा प्री इमेज ऑफ रूट 2, तो जिसकी प्री इमेज निकालनी है, ठीक है, कैसे करेंगे, कैसे प्री इमेज निकालते हैं, हम कहेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू रूट 2। तो एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स रूट 2 के, हाँ, तो एफ एक्स बाय डेफिनेशन किसके इक्वल है, एफ एक्स इज By definition, x 4, x square, मतलब x की x raised to 4. x 4 equal to root 2. तो अभी मैंने तुम्हें बताया x कैसे निकालते हैं इसमें? x equal to क्या आएगा? Root 2 की power 1 by 2. 1 by? 2. 1 by 4, 2? 1 by 2, 1 by 4, 1 by 4. तो ये कितना हुआ? Root 2 और 2 की power half? और ये पावर 1/4, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 1/8, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर 64 भी आ जाता, मान लो थर्ड पार्ट प्री इमेज ऑफ 64, तो वो भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, x की पावर 4 इक्वल टू 64, यही तो हम चाहते हैं कि x की पावर 464 बन जाए। x इक्वल टू 64 रेस टू द पावर 1/4, तो ये किसके इक्वल आया, 64 होता है 1/16, 2 क्यूब ले ले, 2 टू द पावर नहीं, कितना हो गया 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 रेस टू द पावर 1/2 की पावर 3/2 बन जाए, है ना। तो जब भी प्री इमेज निकालनी हो, एफ एक्स इक्वल टू लेके एक्स की वैल्यू निकालनी होती, समझ में आया। तो ऐसे प्री इमेज के क्वेश्चन सिंपल भी आ जाते हैं, जैसे मैंने सिंपल सा लिखा था, और डिफिकल्ट भी आ जाते हैं, जैसे प्री इमेज ऑफ 64 लिखा तो सिंपल है सोचना, 64 तो मुश्किल था, 256 आसान। नंबर सिस्टम की क्लैरिटी होनी चाहिए ना, मैथ्स में ये चीज बहुत जरूरी है, इसके बिना मैथ्स नहीं चलती है। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट सेट जो तुमने मैथ्स में पढ़ा, वो पढ़ा किसका, नेचुरल नंबर के बाद रियल होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर में यहाँ नहीं बना रही, ऐसे अलग से ही लिख देती हूँ होल नंबर। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या फर्क होता है, सिर्फ जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा होती है। हाँ, थोड़ा सा बेटा रोहन को पढ़ाया कर, तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स में क्या आता है, नेगेटिव जितने भी होते हैं वो भी आ जाते हैं साथ में, नेगेटिव भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं एक तो सारे के सारे, हाँ, और एक जो है इसमें
नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, -1, -2, -3। तो ये क्या होता है कि जब हम ये नए नए सेट पढ़ते हैं, जो पुराने वाले नंबर हैं वो भी साथ चल रहे हैं। देखो नेचुरल नंबर थे, फिर हमने होल नंबर किया तो उसमें 0 ऐड कर दिया, अब जब इंटीजर बनाया तो उसमें नेगेटिव भी आ गए, पर नेचुरल नंबर भी सारे हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट जो है वो आता है क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। हाँ। तो रैशनल नंबर में क्या किया हमने, जो से सारे इंटीजर तो रहेंगे ही रहेंगे वहां पर, लेकिन ये इंटीजर के साथ साथ 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे नंबर तो हमने ले ही लिए हैं। इसके साथ साथ हमने जो डेसिमल वाले नंबर थे वो भी सारे ले लिए, ये सब लिए, और साथ में जैसे ये 3/7, 4/5, 6/11 जितने भी हमारे ये PYQ फॉर्म वाले नंबर हैं वो सारे भी हम इसमें ले लेते हैं, 1.5, 2.7, 2.6 कुछ भी, सारे PYQ फॉर्म के नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर, सारे नेगेटिव वाले नंबर, मतलब पूरा इंटीजर तो इसके अंदर रहता ही रहता है। इंटीजर के साथ साथ इसमें जो हमारे जितने भी नंबर्स हैं, जो भी हमें पता है वो सब 1.3, 5, 6 ये सारे सब नंबर इसमें। तो जब हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखते हैं तो हम उसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, क्यू क्या होता है, नंबर्स ऑफ द टाइप P by Q वेयर सच दैट वेयर पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखते हैं कि x सच दैट x इक्वल टू पी बाय क्यू, जैसे भी तुम समझ लो बात एक ही है, पी कॉमा क्यू इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें सारे नंबर हैं जो तुम्हारे फ्रैक्शन हैं, डेसिमल वाले हैं, 1/100, 2/7, 9/11, 3/15 सब नंबर इसमें है, ठीक है। और इंटीजर भी है, क्यों, क्योंकि 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं तो वो पी बाय क्यू फॉर्म का हो गया, है ना। तो इसमें सारे के सारे जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर हैं और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव वाले नंबर्स और जीरो सब -2/5 ये सब, ठीक है। ये क्या किया कि हम उसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं, अपने सेट को बड़ा करते जा रहे हैं। ये नहीं कि हमने नया किया तो पुराना छोड़ दिया, हमने उसमें बैग में और डाल दिए, फिर इससे बड़ा सेट आ जाता है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स में क्या हुआ कि हमने रैशनल नंबर सारे ले लिए जितने हमारे पास थे, इसके साथ साथ हमने इरेशनल नंबर भी ले लिए। इरेशनल नंबर मतलब कौन से, क्यू डैश किसके लिए होता है, क्यू डैश होता है इरेशनल नंबर का सिंबल। इरेशनल मतलब जो पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो इसमें हमने क्यू ले लिया, क्यू तो है ही है, और साथ में √3, √5 ये जो नंबर होते हैं जिनको हम नहीं लिख सकते हैं, √2 जिनको पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते वो भी ले लिए, और सारा ये 0, 1, 2, 3 ये सब भी हैं, -1, -2 ये सब भी हैं, और फिर इधर वही हमारे 3/7, 4/5 ये सारे भी हैं, 4/5 को या इसको 0.8 को बातें की है ना, 6.9, 7, 8 ऐसे वाले सारे नंबर भी हैं। तो ये रियल नंबर, तो कुछ क्लैरिटी आई अब इसकी। तो ये इस तरह से याद रखोगे, नेचुरल नंबर सबसे पहले, फिर आता है होल नंबर, दोनों में कितना फर्क है, सिर्फ 0 का फर्क। होल नंबर के बाद फिर क्या आया, इंटीजर्स, तो उसको हम आई से डिनोट करें या जेड से डिनोट करें, जिससे भी डिनोट करते हो, ठीक है। तो ये इसका सबसेट हो गया, सबसेट हो गया ना, पूरा का पूरा होल नंबर जो है आई के अंदर समाया हुआ, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर डब्ल्यू के अंदर समाया हुआ, ऐसे है ना। और इंटीजर्स के अंदर क्या समाया हुआ है, इंटीजर किसमें समाया हुआ है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसमें समाया हुआ है, रियल नंबर, ठीक है। तो अब इस पिक्चर को अपने माइंड में रखना, तो जिससे फिर तुम्हें कंफ्यूजन नहीं।